सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और उनकी बुलडोजर वाली कार्रवाई दोनों बहुत फेमस हैं। लेकिन बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया है। कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया और उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिया है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर बेटे के लिए जमकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान वो बुलडोजर एक्शन का विरोध करते हुए नजर आए। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई से नुकसान भी हुआ है। कहते हैं कि गोंडा में नजूल वाली जमीन है, इसलिए बुलडोजर चलाया गया। पर वहीं ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि पूरा गोंडा नजूल की जमीन पर बसा है, तो क्या वो पूरा गोंडा ही उड़ा देंगे? अब नजूल की जमीन का क्या मतलब है वो भी आपको बताते हैं। इसका मतलब है सरकारी जमीन का वो हिस्सा जो कृषि संबंधी काम में ना आए और जिस पर सड़क, पार्क, बाजार जैसे निर्माण किए जाएं। ब्रजभूषण शरण सिंह से अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कौन अपराधी है कौन नहीं, ये साबित करना एक लंबी प्रक्रिया है। जो लोग समाज के लिए घातक हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करना फिर भी ठीक है, मगर जो गरीब हैं, आम आदमी हैं, उनके खिलाफ ये एक्शन ठीक नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले साल से चर्चाओं में बने हुए हैं। महिला पहलवानों ने जब से उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं तब से वो खबरों में बने हुए हैं। इस बार बीजेपी ने उनके टिकट भी काट दी है, मगर इस मुद्दे पर वो लगातार यही कह रहे हैं कि अगर मेरा दोष साबित हुआ तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने खेल के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम किया है, इसका फायदा सबसे ज्यादा हरियाणा को हुआ है, इसीलिए हरियाणा में वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। उनका दावा है कि हरियाणा में 95% लोग उनको पसंद करते हैं। हाल ही में उन्होंने फैजाबाद में क्रॉस फायरिंग को लेकर भी बयान दिया था, उस बयान को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी। अभी फिलहाल वो खुद तो चुनावी मैदान में नहीं है, मगर उनका बेटा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उनके बेटे करण भूषण सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्र और बसपा के नरेंद्र पांडे की चुनौती रहने वाली है। फिलहाल बुलडोजर जो कि उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा मशहूर है, उसे लेकर आए ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान की काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं।